हेलो जी, सत श्री अकाल सारिआं नूं। स्वागत है तुहाडा साडे चैनल दीपजोत पंजाबी रिएक्शन दे उप्पर। ते उम्मीद करदे आं तुसीं जिथे जिथे होवोगे वधिया होवोगे, चढ़दी कला विच होवोगे। ते अज असीं हाजिर हां तुहाडे लई, तुहाडे वल्लों रिकमेंड कीतीआं वीडियोस दे नाल। ते अज दी वीडियो होण वाली फिर तों बहुत खास, और असीं हाजिर हां जी तकरीबन 2 महीने दीआं छुट्टियां तों बाद, हैना। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰეკਮੈਂਡਡ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੀ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕਨਵਰਟ ਟੂ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਪੀਪਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕੀਤਾ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम दुनिया का कामल और सच्चा मजहब है। वैसे तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 अरब मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन हर रोज सैकड़ों लोग हिदायत हासिल करके इस्लाम के दायरे में दाखिल होते हैं। वह आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लाम कबूल करने वाले दुनिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एंड्रयू टेट। दोस्तों अगर आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं तो आप सबने एटलीस्ट एक दफा एंड्रयू टेट को जरूर देखा होगा। ये दुनिया के सबसे रिच और स्मार्ट लोगों में से एक हैं। वैसे तो ये क्रिश्चियन थे, लेकिन एंड्रयू अपनी पॉडकास्ट में हमेशा ये कहा करते थे कि इस्लामी दुनिया का सच्चा मजहब है। वेल, इन्हें अपनी लॉजिकल स्पीचेस और सच्ची बातों की वजह से इंटरनेट के हर सोशल प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया था, लेकिन इनके फेम में कोई कमी नहीं आई थी। चंद हफ्तों पहले एंड्रयू दुबई आ गए थे और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका नाम अबू एंड्रयू है। इन्होंने ऐलानिया तौर पर सबको बताया है कि दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। अब एंड्रयू दुबई के अंदर ही रह रहे हैं और अपने मुसलमान होने पर बहुत खुश हैं। आई एम नाउ officially a Muslim. My name is Abu Andrew now. This is all haram. No, this is haram, bro. This is haram. Wait, are you Muslim? I'm Muslim, yeah. विलियम ओड। दोस्तों विलियम ओड का ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये एक बहुत ही फेमस एमएमए फाइटर हैं। ये 19 जून 1982 को पैदा हुए थे और इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। वैसे तो विलियम की पूरी फैमिली का दूर दूर तक इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने विलियम को अपने दीन के लिए मुंतखब कर लिया था। 2020 में कोरोना वायरस पेंडेमिक के दौरान इन्होंने इस्लाम का मुतालिया करना शुरू कर दिया और ये इस्लाम से इतने मुतासर हो गए कि इन्होंने अपना दीन छोड़कर इस्लाम में दाखिल होने का फैसला कर लिया। 16 अप्रैल 2020 को ये मुसलमान हो गए थे और इन्होंने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कलमा पढ़कर मुसलमान होने की पूरी वीडियो भी शेयर की थी। इन्होंने अपना नाम खालिद रख लिया था और इनका कहना था कि दीन इस्लाम काफी अरसे से इनके जहन पर हावी था, लेकिन इन्हें इसका मुतालिया करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। वे क्वारंटीन के दौरान इन्होंने इस्लाम पर रिसर्च की और इन्हें अपना अकीदा तलाश करने में बहुत मदद मिली और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस्लाम के साए में है। हंसराज हंस। दोस्तों हंसराज हंस एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं। इनका ताल्लुक इंडिया से है और ये 9 अप्रैल 1962 को पंजाब में पैदा हुए थे। ये पंजाबी फोक, सूफी म्यूजिक और पंजाबी पॉप वगैरह गाते थे। वैसे तो हंसराज एक हिंदू थे, लेकिन इन्हें कुरान पाक पढ़ने का बहुत शौक था। इसी शौक की बिना पर इन्होंने कुरान और इस्लाम का गहराई से मुतालिया शुरू कर दिया था और आखिरकार इस्लाम की तालीमात से मुतासर होकर 20 फरवरी 2014 को ये मजहब इस्लाम में एक मुसलमान की हैसियत से दाखिल हो गए। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पूरी दुनिया को अपने मुसलमान होने की खुशखबरी सुनाई थी और इन्होंने अपना नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ रख लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान भी आए थे और यहाँ इनका बहुत ही खुशदिली से इस्तकबाल भी किया गया था। इनका कहना था कि इन्होंने बहुत ही गहराई से इस्लाम का मुतालिया किया है और ये प्यार और अमन का दीन है। वेल, हंसराज का कहना था कि इन्हें अपने मुसलमान होने पर फख्र है और ये इस दीन को कभी नहीं छोड़ेंगे। मोंटाना लॉन। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इनका नाम मोंटाना है और ये 30 अक्टूबर 1994 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए थे। इनका पूरा खानदान कैथलिक मजहब से ताल्लुक रखता था।
25 साल की उम्र में मोंटाना ने ऑस्ट्रेलिया की रग्बी टीम में हिस्सा लिया और एक नेशनल प्लेयर बन गए। पूरे ऑस्ट्रेलिया में इन्हें मोंटी के नाम से जाना जाता था। वैसे तो मोंटी एक क्रिश्चियन थे, लेकिन इन्हें अपने मजहब से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। ये ना तो ज्यादा चर्च जाते थे और ना ही किसी रिलीजियस इवेंट में शिरकत करते थे। अप्रैल 2020 में जब ये अपना फर्स्ट रग्बी मैच खेलने के लिए गए तो इनकी मुलाकात विलियम ओट से हो गई, जिन्होंने रिसेंटली इस्लाम कबूल किया था और वो माह रमजान के रोजे रख रहे थे। मोंटी विलियम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। विलियम, जिनका इस्लामी नाम खालिद है, इन्हें इस्लाम के बारे में नई नई बातें बताते थे। यहाँ से मोंटी में इस्लाम का इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया था। इन्होंने कुरान पाक और दूसरी इस्लामी किताबों का मुतालिया करना शुरू कर दिया था। आखिरकार इन्हें समझ आ गई कि दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है और इन्होंने 13 जुलाई 2020 को बाकायदा तौर पर अपने मुसलमान होने का इकरार कर लिया। मोंटी का कहना था कि इन्हें शुरू से ही लगता था कि कैथलिक मजहब इनके लिए इनपरफेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये एक प्राउड मुस्लिम है। टीकू तलसानिया, दोस्तों अगर आप इंडियन मूवीज देखते हैं तो आपने कभी ना कभी इस फनी एक्टर को जरूर देखा होगा। इनका नाम टीकू तलसानिया है और ये अनगिनत बॉलीवुड फिल्म्स में काम कर चुके हैं। वैसे तो इनका ताल्लुक एक हिंदू फैमिली से है, लेकिन इसी साल के शुरू में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें टीकू एक बामल मुसलमान की तरह नजर आ रहे थे। इवन इस पोस्ट को जिस शख्स ने शेयर किया था उसके मुताबिक इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इन्होंने ये बात ऐलानिया तौर पर नहीं बताई। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये पोस्ट झूठी है और इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद टीकू को किसी ने नहीं देखा और ना ही आज तक इन्होंने इस खबर को झूठा करार दिया है। एनीवे जो भी हो, अगर इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो इनसे ज्यादा खुशकिस्मत शख्स पूरे बॉलीवुड में और कोई नहीं हो सकता। वेन पार्नल, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम वेन है और इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। ये अफ्रीका के एक बहुत ही मशहूर क्रिकेट प्लेयर हैं। इन्हें अपनी टीम का सबसे फास्ट बॉलर माना जाता है। ये 30 जुलाई 1989 को एज ए क्रिश्चियन पैदा हुए थे। सन 2006 में जब पार्नल की उम्र सिर्फ 17 साल थी तो ये अफ्रीका की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके थे। इन्होंने जो टीम ज्वाइन की थी उस टीम में दो मुसलमान प्लेयर हाशिम आमला और इमरान ताहिर पहले से ही मौजूद थे। पैरनल की इनके साथ गहरी दोस्ती हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता ये इस्लाम में दिलचस्पी लेना स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ इस्लाम को भी गहराई से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। वेल, पैरनल को इस्लाम से बहुत ज्यादा लगाव हो गया और आखिरकार 30 जुलाई 2011 को इन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था। इन्होंने अपना इस्लामी नाम वलीद रखा था और अब ये इसी नाम से जाने जाते हैं। आइडन हेनरी, दोस्तों आइडन हेनरी 29 अगस्त 1994 को लंदन में पैदा हुए थे। ये एक शॉर्ट हाइट बॉक्सर हैं और इनके छोटे कद की वजह से इन्हें लिटिल मैन का नाम दिया गया है। इनका कद सिर्फ 3 फुट है। विल आइडन की लाइफ स्टोरी दूसरों से बहुत ही मुख्तलिफ है। इनके वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे और घर का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया था। आइडन ने अपनी माँ और बहनों का पेट पालने के लिए सिर्फ 13 साल की उम्र में ही चोरियां करना स्टार्ट कर दी थी। जब ये पहली बार जेल गए थे तो इनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। ये अपने पूरे क्रिमिनल करियर में 13 दफा जेल गए थे और इन्हें फेम भी जेल से ही मिला था। असल में ये फनी वीडियोस बनाकर इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे और वहीं से ये वायरल हो गए। जब आइडन फेमस हो गए तो इन्होंने चोरियां करना छोड़ दी और 2019 में बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लिया। इन्हें इस्लाम से लगाओ एक मुस्लिम फाइटर सालिम से मिलकर हुआ था और वहीं से इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। सितंबर 2020 में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये और इनकी पूरी फैमिली इस्लाम के दामन में हैं। अशहदु अल्ला अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अल्लाह मुहम्मद मुहम्मद तन तन अब्दहु अब्दहु व रसूलु व रसूलु। बी जॉन फोर्टन, दोस्तों ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम बी जॉन है और ये 21 अक्टूबर 1994 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। इन्होंने जिस घराने में आंख खोली थी वो एक क्रिश्चियन फैमिली थी। 2019 में इन्होंने साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम को ज्वाइन किया था। उस वक्त ये अपनी टीम के सबसे बेस्ट बॉलर थे। जॉन को शुरू से ही अपने मजहब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनकी जिस लड़की से एंगेजमेंट हुई थी वो भी क्रिश्चियन थी। ये अक्सर इस्लामी किताबें पढ़ते थे और इस्लाम के मुतालिक जानने की
कोशिश करते थे। कुछ अरसे तक ये इस्लाम को स्टडी करते रहे और आखिरकार इन्होंने इस्लाम अपनाने का फैसला कर लिया। जॉन ने अपने फियांसे को भी इस्लाम कबूल करने की दावत दी और 24 अप्रैल 2021 को इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो रमजान का महीना था और इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपने मुसलमान होने की न्यूज भी शेयर की थी। जॉन ने अपना नाम इमाद रख लिया और अगले ही दिन इन्होंने अपने फियांसे से निकाह कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली आज भी इस्लाम के दामन में है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वाह मतलब सोचा नहीं है ना भी इन्हें लोग भी कन्वर्ट कर दी होंगी अपना रिलीजन। ये नहीं की इस्लामिक कोई मतलब की इतनी फ्रीडम है कि वैसे होनी भी चाहिए एक विषय जो तुम चंगा लगता अकॉर्डिंग जाओ। हाँ फिर ये है सब तो मेन चीज है कि हुन एक्सेप्टेंस होनी शुरू हो गई है इन चीजा की मतलब बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं पैंदा क्योंकि ये विचारा की आजादी है ना। जिदा किसी का जी करता जिथे भी जानू या जेड़ा भी धर्म अपनाउनु क्योंकि हर एक धर्म दे विच कुछ चीजा जिहड़ियां ना यूनीक है ना जिहड़ियां सानू जो आप वेखदे आ सुनदे आ उहदे बारे है ना सानू लगदा कि अच्छा वाकई भी आ चीज है क्योंकि कुछ जे आप धर्मां बारे स्टडी करिए ना एक चीज जिदा किसी धर्म दे विच उह वधिया मन्नी जांदी है ते दूसरी चीज उहदे विच उह घटिया मन्नी जांदी है ना। तकरीबन इदा ही जरा सारे धर्मां दे विच हैगा आ। पर जो जो बंदे नूं जिहड़ी चीज वधिया लगदी उहनूं लगदा कि यार उस धर्म दे विच उस चीज जिहड़ी आ उह वधिया आ हना उहदी रोक नहीं हैगी उस चीज की उन्हों फिर वह चीजा जड़िया पसंद होनी शुरू हो जाए। बाकी दूसरी चीज होंगी है कि जो आप स्टडी करते हैं ना किसी भी चीज़ में साडा झुकाव उधर होना जो लाजमी हो जाता साडा आला दुआला किदां दा असीं किन्ना लोगों के नाल रहिंदे आ तो बड़ी वधिया चीज़ है क्योंकि एक दूसरे के इहदे नाल ही पता लगता कि हाँ इंसान जिहड़ा आ वो कोई पिछों मतलब नहीं इदा का आया कि तू मतलब क्रिश्चन आ तू क्रिश्चन ही रहना तू सिख आ तू सिख ही रहना तू मुसलमान आ तो तू मुसलमान ही रहना मतलब सब कुछ इत्थे आके डिसाइड हुंदा है। वैसे जो एक धर्म हुंदा ओह एक इह नहीं हुंदा कि सैट ऑफ रूल्स हुंदे एक इंसानियत सिखाउण दा एक तरीका है क्योंकि पहले जो इंसान पैदा होए ही ओह चीज इंसानियत उहनां विच आदिवासी जो उन्होंने जो जानवर फिर उस चीज सैट ऑफ रूल्स उन्होंने बनाए धर्म के अकॉर्डिंग रह लिखा गया। धर्म असल विच इंसानियत का ही दूजा नाम सो धर्म कोई भी हो इंसानियत नहीं छड़नी चाहिए। हंसराज हंस का मैंने नहीं पता कि वह भी उन्होंने कन्वर्ट किया पिछले दिन जो हंसराज आए थे इतने राजनीति दे विच उस तो बाद मतलब उन्होंने जरा ये चीज मैं भी सुनी सी काफी साढ़े इधर जरा मीडिया है उन्हें इन चीज मतलब नहीं दिखाया ना बहुता लोगों ने ज्यादा इधर रिएक्ट ही किया इस चीज का उदे करके भी बड़ा मतलब बड़ी पॉजिटिव साइन आए कि मतलब बिना मतलब तो क्योंकि एडे वे बंद का जो मतलब एकोदम धर्म चेंज कर देना दूसरे धर्म वाले थोड़ी जी प्रॉब्लम होंगी है ना पर इन्ने के वे दिल हो गए आम लोगों के कि वह इस चीज़ को एक्सैप्ट करना स्टार्ट करता उन्होंने कि जे कोई अपना धर्म चेंज करना चाहता है पर्सनल बचपन तो ही उधर झुकाव कह सकते हैं कि सूफी कवि रहे सूफी मतलब गायक रहे चीजा पढ़ते रहे पढ़ते रहे क्योंकि उन्होंने जो आप बोल सुना ना उन्होंने हिंदी पंजाबी घट आ मतलब तत्त ज्यादा होंगे है मतलब मैं सानू तो हुण जाके असल च रिलाइज ही हो हंसराज हिंदू सी है ना मतलब वह पता नहीं लगता कि वह हिंदू आ के मुस्लिम आ क्योंकि उन्होंने जिहड़ी बोली जिहड़ा सॉफ्ट स्पोकन उन्होंने जिहड़ा तरीका है ना और उहदे विच उर्दू के ज्यादा जिहड़े वह शब्द यूज करते सीगे पंजाबी दे नाल ही मतलब कभी उन्होंने इदा लगा ही नहीं कि मतलब शॉकिंग नहीं लगा कि है अच्छा हूँ सगों सू शॉकिंग लगा अच्छा वह हिंदू सके हूँ जाके साथ हिंदू सके। सो ये अज की वीडियो तुम आई होप पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक जरूर करो तो साढ़े चैनल सबसक्राइब जरूर करके जाए मिलते आप किसी होर वीडियो तद तक सत श्री अकाल।